भोसले फैमिली में जल्द होने जा रही है ईशा की वापसी। अक्का साहेब से सभी को बचाने लौट रहे हैं ईशा और शांतनु। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। आखिरकार ईशान और सभी की लाइफ में भी वो मोड़ आ गया है जो विराट और सई की जिंदगी में आया था। शो के करंट ट्रैक में फिलहाल एक तरफ यशवंत राव भोसले ने निशी और ईशान को इस बात का फैसला सुना दिया है कि अब जब हर किसी को ईशान और सभी की शादी के बारे में मालूम पड़ गया है तो ऐसे में परिवार को बदनामी से बचाने का और परिवार की छवि को सुधारने का एक मौका है, और वो है ईशान और सभी की शादी के बाद रिसेप्शन का, जिसमें दोनों की शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के बाद भोसले परिवार मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे उन्होंने गरीब परिवार की लड़की के फैमिली वालों की डेथ के बाद उसे अपनाया और उसे अपने घर की बहू बनाया। ईशान कहते हैं कि उन्हें ये दिखाने की क्या जरूरत है कि उन्होंने सभी पर एहसान किया है। यशवंत ईशान से सवाल करते हैं कि ये एहसान नहीं तो क्या है। खैर, रीवा को ये बात मालूम पड़ जाती है कि ईशान और सभी की शादी के पीछे कोई मजबूरी है और सभी और ईशान दोनों ही शादी को लेकर श्योर नहीं है। रीवा इस बात का फायदा उठाकर ईशान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिशों में लग गई हैं। तो वहीं सुरेखा सभी को नीचा दिखाने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाएंगी। ऐसे में जल्द ही ईशा और शांतनु की भोसले परिवार में वापसी होगी और ईशा सभी के लिए अक्का साहेब के सामने ढाल बनकर खड़ी होंगी। शो के आने वाले एपिसोड्स के लिए अक्का साहेब के सामने ईशा कैसे सभी को बचाती हैं, ये सारे फुल ऑन ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। टैली वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही और भी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एस्टीरिया।